भाई हिंद दोपहर के अब बज रहे हैं 2:15 या 2:30 और मैं जिम में आ चुका हूँ। आज चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। वैसे तो मेरा फास्ट है, थोड़ा बहुत खाया है खाना, बट वर्कआउट जरूरी है तो पहले वर्कआउट करते हैं। We shared the pieces of ourselves, it's perfect timing now. We fueled the flames, but we're still learning to trust, learning to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. Don't fight the fire, too much too fast. So, दोस्तों काफी टाइम से रेगुलर जिम नहीं कर रहा था, बट अब कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर आने की। और आज मुझ पर बहुत ज़्यादा काम था, पर और अभी यहाँ जिम करने के बाद कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे और जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और स्टिंग मिली नहीं है, क्या है चार्ज। बच्चे जाते व्रत तो ना टूटे वो We left some space for us to breathe. My head is quiet now. I can rest in peace, 'cause you are more than enough, more than enough. Feeling the rush, burning in love, burning in love. Two souls united, this roaring blaze is soaring free. If you ever get tired of love, I'll sing you gently to sleep, 'cause you're still. राधा रानी की जय। अपने सभी मित्रों के साथ राधा रानी के दर्शन करते हुए भाई सचिन पहलवान और ये यादव जी हाथ हिलाते हुए बहुत ज्यादा उत्सुक है राधा रानी के दर्शन करने के लिए। जय जय भारत। जय ब्रो। यो यो। मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये राधा रानी का मंदिर है और आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और कृपा करते हैं कि राधा रानी हमारे लिए एक सुंदर सी कन्या इस आने वाले वर्ष में हमारे साथ हमारे जीवन में प्रदान करें। सर कन्या के अलावा कुछ आप जॉब वॉब की बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे ऑडियंस को अच्छा लगता। जॉब तो यार करनी ना यार, क्या करना बस।
सो दोस्तों आज का दिन काफी मंगलमय रहा और जिन लोगों ने मुझे बर्थडे की विश दी उन सभी के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ एक बार फिर। और मेरा जन्मदिन वैसे तो 3 तारीख को है पर तिथि के हिसाब से आज था तो हमने सेलिब्रेट किया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए। अभी मुझे घर पर जाके काम करना है और एक दो एलेक्सा की वीडियो बनाऊंगा और इस ब्लॉग को यहाँ पर तो यही शूट कर दो। कुलदीप भैया आपको कुछ कहना है बताओ, मेरे बारे में बताओ, आज मेरे बारे में कुछ कहो। ये मेरे परम मित्र हैं भाई साहब, सुख दुख में, सुख दुख में मेरे काम आते आने वाले इंसान हैं, दुख सुख में, दुख सुख में मैं भी इनके दुख सुख में काम आ सकूं तो आ तू, पर जिम वो समझत ना है ऐसा कष्ट नहीं देना चाहता हूं किसी को। तो निकलते हैं अब सीधे मार्ट के लिए और हो सकता है यहीं पे एंड कर दूं बट घर पे कुछ मेरी चाहने वाले व्यूअरों के लिए। कुलदीप भैया के फैंस काफी हैं मेरे चैनल पर, सभी बाय नेम बाय फेस इनको जानते हैं। बहुत जल्दी बॉडी अच्छी आ रही है, वर्कआउट ले लो आज मैंने, अब दोनों भैया बॉडी बनाएंगे।